राजधानी भोपाल में लगभग रोज ही चालानी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाते, कार वाले सीट बेल्ट नहीं लगाते, साथ ही तेज रफ्तार बेतरतीब गाड़ियां भोपाल की सड़कों पर दौड़ती नजर आती है, जिससे जाम लगना आम बात होती जा रही है। भोपाल की सड़कों पर धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। सड़कों पर रोज हो रही दुर्घटना की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस लगातार चौराहों पर हेलमेट, सीट बेल्ट, पीयूसी, तेज रफ्तार, कागजी दस्तावेज की चेकिंग कर रही है। वाहन में अनियमितता पाए जाने पर यातायात पुलिस प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। दो पहिया वाहन चालकों पर हेलमेट न लगाए जाने पर उनके चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही उन्हें हेलमेट लगाने की हिदायत भी दी जा रही है। यातायात पुलिस ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध हमेशा कार्रवाई करती रहती है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दुर्घटनाओं से होने वाली अधिकांश मृत्यु सिर की चोट के कारण होती है, तो न्यायालय द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए और दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए हेलमेट की चेकिंग की जा रही है। पर ऐसे लोग भी देखे जाने के यातायात उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं, उनका गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जाता है, फिर उनको कार्यालय से चालान भेजते, नोटिस भेजते और उनको कार्यालय बुलाते, समझाइश देते हैं और चालान बनाते हैं। नहीं, मोटरयान अधिनियम में सजा का प्रावधान नहीं है, चालानी कार्रवाई है। हाँ, अगर वो वाहन चलाकर किसी दूसरे का जीवन को खतरा उत्पन्न करने हैं तो निश्चित रूप द्वारा फिर मुकदमा कायम कर कार्रवाई की जाती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।